राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में होने वाली जिंक की कमी के बारे में कि धान की फसल के अंदर यदि जिंक की कमी हो जाती है तो हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि धान की फसल के अंदर जिंक की कमी हो गई है, इसकी क्या क्या पहचान है, साथ ही साथ पहचान करने के बाद हम किस तरीके से अपनी धान की फसल को मात्र 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर उस जिंक की होने वाली कमी से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा तरीका है जिस उपाय को करके हम अपने खेत के अंदर से अपनी धान की फसल से जिंक की कमी को दूर कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी यहां पर मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि किसान भाई, यदि धान की फसल के अंदर जिंक की कमी आ जाती है तो हमारी धान की फसल के अंदर जो खैरा रोग होता है ये बहुत तेज़ी के साथ लग जाता है और इसके लगने के कारण हमारी फसल की 25 से लेकर 30% जो पैदावार होती है वो किसान भाइयों कम हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं जिंक की कमी की। किसान भाइयों, जैसे ही जिंक की कमी हमारी धान की फसल के अंदर होनी शुरू होगी, धान की जो पत्तियां होंगी इनकी नोक पर लाल, बादामी या कत्थई रंग के जो हैं धब्बे बनने किसान भाइयों शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारी फसल होती है वो सारी एक रूप में नहीं चलती है, कहीं कहीं पर फसल ऊंची हो जाती है, कहीं कहीं पर फसल नीची हो जाती है और पौधे की जो वृद्धि होती है, पौधे की जो बढ़वार होती है वो किसान भाइयों बिल्कुल ही रुक जाती है। पौधे की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और उनका जो रंग होता है वो किसान भाइयों भूरे रंग का होना शुरू हो जाता है। जिंक की कमी होते ही हमारी फसल ऐसे लगने लगती है कि मान लीजिए खेत के अंदर से जान निकल गई और पूरे का पूरा खेत जो है आपका बिल्कुल बेकार लगना शुरू हो जाता है। जब आपको जिंक की कमी अपने खेत के अंदर इस तरीके से दिखाई दे तो सबसे पहला जो कार्य आपको करना है, अपने खेत के अंदर से आपको पानी निकाल देना है। खेत के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जहाँ तक कोशिश हो सकती है उतना पानी आप अपने खेत के अंदर से निकाल दीजिए। और जो हम खाद और फर्टिलाइज़र अपने खेत के अंदर डाल रहे हैं इनकी मात्रा भी आपको कम ही मात्रा में डालनी है। और जितने कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनकी मात्रा आपको नॉर्मली बिल्कुल सही तरीके से ही डालनी है। यदि ऊसर मिट्टी है तो ऊसर मिट्टी में आप जिप्सम या पायराइट का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं 1 से 2 घंटे के अंदर हम अपनी फसल के अंदर से जिंक की कमी को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको चिलेटेड जिंक का उपयोग यहाँ पर करना होगा। जो हमारी चिलेटेड जिंक होती है इसकी जो मात्रा आपको यहाँ पर लेनी है किसान भाइयों वो ध्यान देना है, सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही आपको लेनी है चिलेटेड जिंक की। और 100 ग्राम मात्रा को लेने के बाद 150 लीटर पानी के अंदर आपको चिलेटेड जिंक को मिलाना है और उसके बाद अपनी धान की फसल के ऊपर यदि आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो खेत के अंदर से बहुत तेज़ी के साथ जो है जिंक की जो कमी चल रही थी वो पूरी हो जाएगी और आपकी फसल खैरा रोग लगने से बच जाएगी। और जो ये धब्बे हमारी फसल पे लग रहे थे ये धब्बे भी किसान भाइयों धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी फसल को जिंक की कमी से किसान भाइयों बचा सकते हैं। लेकिन पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए और खेत के अंदर से आपको पानी निकाल देना है, उसके बाद ही इस स्प्रे को आप करेंगे, तब आपको बेहतर और अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।